नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में एक निश्चित मात्रा में रक्त का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शरीर में खून की कमी होने के कारण यह कई सारी बीमारियों को न्योता देता है। खासकर खून की कमी से एनीमिया होने का खतरा सबसे अधिक होता है और उसमें रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। छोटे बच्चों में खून की कमी होने पर उनका मानसिक और शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। खून की कमी हो या फिर प्लेटलेट्स की, इन दोनों को सिर्फ 7 दिनों में तेजी से बढ़ाने के कुछ आसान घरेलू उपाय हम आपको बता रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। टमाटर का जूस। खून बढ़ाने के घरेलू उपाय में टमाटर काफी उपयोगी है। तेजी से खून पूरा करने के लिए 1 गिलास टमाटर का जूस हर रोज पिएं। इसके अलावा टमाटर सूप भी पी सकते हैं, चाहे तो सेब और टमाटर के जूस को मिलाकर भी पी सकते हैं। दूध और खजूर का सेवन। शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए दूध और खजूर का सेवन भी उत्तम उपाय है। इस उपाय को करने के लिए रात को सोने से कुछ देर पहले दूध में खजूर डालें और दूध पी लें। दूध पीने के बाद खजूर भी खा लें। गुड़। दोस्तों गुड़ एक प्राकृतिक खनिज है जो आयरन का प्रमुख स्रोत है। यह विटामिन से भरपूर होता है। गुड़ शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। लगातार गुड़ खाने से पेट की समस्याओं से भी निजात पाई जा सकती है। अनार। अनार हमें 100 बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। अनार आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन से भरपूर होता है। अनार शरीर में खून की कमी को बेहद जल्द पूरा करता है। खून बढ़ाने वाले फल में अनार आयरन और प्रोटीन जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर है, जो हमारे खून के साथ साथ खून के प्रवाह को भी बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों ब्लड में प्लेटलेट्स बढ़ाना क्यों जरूरी है? बदलते मौसम में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसे रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। जब यह रोग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देते हैं तो रक्त प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। इन दिनों यह समस्या बहुत से रोगों को अपनी चपेट में ले रही है। जब शरीर में इसकी कमी अधिक हो जाए तो प्लेटलेट्स चढ़ाने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए जरूरी है कि अपने खान पान और सेहत का खास ध्यान रखा जाए, ताकि शरीर को इस तरह के रोगों से बचाया जा सकता है। क्या है शरीर में प्लेटलेट्स की भूमिका? दोस्तों स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है। हमारे रक्त में कई तरल पदार्थ होते हैं, जिसमें लाल और सफेद रक्त कोशिकाएं शामिल होती हैं। इन्हीं से एक प्लेटलेट्स बनती हैं। हमारे शरीर में मौजूद खून का काफी बड़ा हिस्सा इनसे बना होता है। इनका सबसे बड़ा कार्य शरीर में रक्त स्त्राव को होने से रोकना है। अगर शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 30,000 से कम हो जाए तो शरीर में रक्त स्त्राव होने की आशंका बढ़ जाती है, जिस वजह से खून नाक, कान, मल इत्यादि से बाहर आने लगता है। अगर स्त्राव शरीर के अंदर होने लगता है तो शरीर के विभिन्न अंगों के फेल होने की आशंका बढ़ जाती है। आपको मैं शरीर के प्लेटलेट्स को पूरा करने के लिए 6 घरेलू उपाय बता रहा हूँ। पपीते के पत्ते। पपीते के पत्ते प्लेटलेट्स बढ़ाने में काफी लाभकारी है। ऐसी स्थिति में मरीज को इसके पत्तों का सेवन करवाएं। गिलोय। 2 चुटकी गिलोय के सत्व में 2 चम्मच शहद मिलाकर मरीज को दिन में 2 बार दें। रात को गिलोय की डंडी को रात भर पानी में भिगोकर रख दें, फिर सुबह इसका छना हुआ पानी पी लें। आपको ये गिलोय आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा। चुकंदर। चुकंदर में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और होमोस्टैटिन गुण मौजूद होते हैं, जो प्लेटलेट काउंट को कुछ ही दिनों में बढ़ा देता है। 50 ml चुकंदर के रस को 1 गिलास गाजर के रस में मिलाकर पिएं। नारियल पानी। शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाने में नारियल पानी काफी लाभकारी है। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स तत्व मौजूद होता है, जो शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा ऐसी स्थिति में किसी न किसी तरल पदार्थ का सेवन करते रहना चाहिए। आंवला। आंवला में विटामिन सी भरपूर होता है, जो प्लेटलेट्स के उत्पादन को बढ़ाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। रोजाना सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवले का सेवन करें। आंवले का मुरब्बा भी बाजार में आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा आंवले के जूस में शहद मिलाकर पिएं। कद्दू। कद्दू प्लेटलेट काउंट में सुधार करने में काफी मददगार है। यह रक्त कोशिकाओं में उत्पादित प्रोटीन को नियंत्रित करता है, जो प्लेटलेट के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। कद्दू के 1/2 गिलास जूस में 1 से 2 चम्मच शहद डालकर दिन में 2 बार पिएं, प्लेटलेट्स की कमी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। और हमारे सभी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो
अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।